नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का कुछ हिडन सेटिंग के बारे में फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये यूनिक इसमें सेटिंग दिया गया है फ्रेंड, जो कि अदर मोबाइल से कुछ हटकर इसमें सेटिंग दिया गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन घंटी को आप दबा दें। दोस्तों मैं इस चैनल पर एंड्रॉइड से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं S21 अल्ट्रा में कुछ हिडन सेटिंग के बारे में फ्रेंड, जो कि इसमें अदर मोबाइल से कुछ हटकर है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट हिडन सेटिंग के बारे में आपको अगर बात करूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे देखें अगर नोटिफिकेशन बार को मैं अगर नीचे करता हूँ फ्रेंड, उसके बाद थोड़ा सबसे नीचे जाता हूँ फ्रेंड, तो ऊपर आप देखें यहाँ पे सर्च बॉक्स है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट को सर्च कर सकते हैं, अपना फाइल को सर्च कर सकते हैं, अपना ऐप को सर्च कर सकते हैं, यानी कुछ भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान के चले मैं अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सर्च करना चाहता हूँ, तो कॉन्टैक्ट में अपना नंबर में सर्च करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सोनू लिखता हूँ, SONU, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सोनू के नाम से जो भी नंबर है यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह आप डायरेक्ट यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। या मान कर चले मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करना चाहता हूँ, तो देखिए मान कर चले मैं यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर नीचे जाता हूँ, उसके बाद देखें फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन को भी अगर सर्च करना चाहते हैं वो भी एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीका से फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे MX लिखूँगा, प्लेयर का भी लिखूँगा फ्रेंड, तो यहाँ पे MX प्लेयर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए MX प्लेयर लिखा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखें इस तरह आ गया। तो आप भी अगर चाहें तो कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी फाइल हो, आप सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके फ़ोन में कहीं भी आपको कोई आपके फ़ोन में कहीं भी कोई भी फाइल को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने कोई भी ऑप्शन, कॉन्टैक्ट हो, एप्लीकेशन हो, फाइल हो, वो बहुत ही आसानी से यहाँ से आप खोज सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आप दूसरे सेटिंग के बारे में आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपने जैसे कि वीडियो कॉल आप करते हैं फ्रेंड, तो जैसे वीडियो कॉल में क्या है, किसी के पास कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल में आप अपना फेस के आगे इमोजी लगा सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी। तो इसके लिए भी आपको एक सेटिंग यहाँ पे इनेबल करना होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको जब ये फ़ोन या आप लीजिएगा फ्रेंड तो ये सेटिंग एक्चुअली में बंद रहता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एडवांस फीचर में आपको जाना होगा फ्रेंड्स। एडवांस फीचर में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें फ्रेंड्स वीडियो कॉल इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स की इसको आप अगर फर्स्ट बार खोलेंगे इस सेटिंग, तो ये इस तरह आपका बंद रहेगा फ्रेंड्स। तो इसको आप ऑन कर लीजिए, जब आप वीडियो कॉलिंग करेंगे फ्रेंड तो आपको एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप इमोजी भी लगा सकते हैं। आपको वीडियो कॉल करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस वजह से। और मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे सेटिंग के बारे में फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे कि आप जैसे फेसबुक मैसेंजर चलाते हैं फ्रेंड, तो आप कोई भी फेसबुक मैसेंजर पर आपका कोई भी मैसेज आता है तो एक पॉपअप यहाँ पर बनकर आ जाता है। तो आपको S21 अल्ट्रा में भी ये सेटिंग, ये फीचर दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही यूनिक लग रहा है। अगर आप मान के चलिए कोई भी नोटिफिकेशन आपको आ रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे बबल्स टाइप का एक आ जाएगा फ्रेंड, जो कि बबल का इसमें सेटिंग आ गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको फिर से यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सेटिंग में आ जाता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आना होगा फ्रेंड्स। देखिए मैं अब एडवांस सेटिंग के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, जो कि आपको यहाँ पे ये बंद है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे ये बंद है, तो आप भी अपने मोबाइल में अगर ये खोलेंगे फ्रेंड्स ये सेटिंग को, तो आपके मोबाइल में ये बंद रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन के अंदर में यहाँ पे बबल्स है, और इनमें से दो ऑप्शन है, आप कौन कौन सा स्मार्ट पॉपअप यूज करना चाहते हैं या फिर बबल्स यूज करना चाहते हैं, आप इनमें से दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को यूज आप कर सकते हैं। तो मेरे को बबल वाला अच्छा लगता है, तो देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक किया, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा बबल आएगा, तो इस तरह आपको नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी मैसेज वगैरह आएगा तो यहाँ पे आपको बबल्स की तरह मिल जाएगा फ्रेंड्स। या फिर आप चाहते हैं ये वाला आपको अच्छा लगे, तो आप इस तरह इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इस तरह आपको बबल्स मिलेगा। आप वहीं पर क्लिक करके कोई भी अपना मैसेज को रीड कर सकते हैं। आपको मैसेज वाले एप्लीकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से आप अपना मैसेज को रीड कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का कुछ यूनिक सेटिंग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।